सलामकुम गाइस, आप देख रहे हैं सी के ब्लॉग। सी क्या कहते हैं, अभी सारे कबूतरों का कहते हैं खोलते हैं उड़ाने के लिए। ठीक है, कहते हैं पहले क्या कहते हैं, आज इन दो खाली खोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ना दूसरे वाले अंबर से वो भी सोच रहा हूँ उड़ा दूँ आज। ठीक है, कहते हैं तो इस तरह से क्या कहते हैं, पहले इसको उड़ा देता हूँ। अभी यार ये वाला अंबर जो है ना बहुत वो है, भटकता बहुत है ना। ये पुराना वाला जो हमारा बिल्कुल नहीं भटकता, पहले बल्कि इसी को उड़ा देता हूँ। अरे 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 चलो भाई, ठीक है, ये पता उड़ ही नहीं पाएगा अभी। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये उड़ना सीखेगा ना, ज़्यादा दूर जाना। चला अभी वाला बस लोगों और फिर इसके साथ अभी इसको खुलते हैं, कहते हैं ताकि ये दूर जाए, खुलते साथ ही निकल जाते हैं। ठीक है, कहते हैं बाकी है, कहते हैं बाकी ये कहते हैं अभी इसको भी उड़ाते हैं। डंडा निकाल दे रहा हूँ ताकि देस भी हो जाए। अबे यार अच्छा, भी क्या कहते हैं ना, ये खाली चार जो यहाँ पर बैठे हैं, बाकी कहते हैं हमारे से चार तीन कबूतर उड़ रहे हैं अभी फिलहाल। अभी एक अंबर से उड़ रहा है और ये वाइट के पीछे बची। क्या कहते हैं, ये देखा कि अंबर से जो आज ऊपर चला गया, ये बाकी सारे कबूतर उड़ रहे अभी। ये देखें, चार कबूतर ये उड़ रहे, बाकी अंबर से राज उड़ रहा है, पांच कबूतर टूटे अभी उड़ रहे। ये उड़ गया अभी, देसी और इसका मेल जो है ना, ये उड़ अभी। ये देखा अभी कैसे उड़ रहे माशाल्लाह, ये चार कबूतर इधर उड़ रहे और अंबर से इधर तो हाई निकल चुका है, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। तो मुझे भी ये आ रहे वहाँ से अभी इनको ना और लड़ाते हैं कि और दूर दूर जाएगा कोई कबूतर उड़ाना ताकि वो आ जाए। यार ये जो है ना, अभी इसका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वाली फीमेल अभी क्या कहते हैं, देसी उड़ी है, गोला फीमेल है ना, ये उड़ी है। बाकी कहते अभी सारे कबूतर बैठ गए और सिवाय अंबर से लेके। अभी तो फिलहाल मैंने डंडा रख दिया है, अंबर से रखा तो पता नहीं कहाँ उड़ा है भाई, वो तो दिख ही नहीं रहा है जो। बाकी ये पुराने नया वाला अंबर से आ गए, यहाँ पे बैठ ही आ गए। बाकी यार जितने कबूतर उड़े थे, अभी दो कबूतर बचे, तीन, हाँ दो कबूतर, तीन कबूतर अभी रह गए। क्या कहते हैं ये देख लें, अच्छा अंबर से मुझे नज़र आ गया, वो ऊपर दिख रहा है उड़ता हुआ, ये अंबर से जूम में भी अभी तो नज़र नहीं आ रहा, इतना ऊपर चला गया। ठीक है, अब दिख रहा होगा सिक्स, बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिक्स एक्स का जूम पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कबूतर अंबर से जो है देखें, ये उड़े अंबर से रहा माशाल्लाह, सही उड़े, बड़े टाइम बाद आज उड़े। अब एक तो नज़र ही नहीं आ रहा है बीच में, आप चले बाकी अभी कबूतरों को खोलते हैं अपने। क्या कहते हैं ये वाले सिराजियों को खोलते हैं।
ठीक है अभी खोल दिया कहते हैं, और बाकी क्या कहते हैं अभी इसको भी खोलते हैं। इन लोगों ने यार अंबर से तो कल से वापसी नहीं आया अभी तक। वो अंबर से कह रहा हूँ सॉरी, चापदार जो है ना क्या कहते हैं वो अभी तक वापसी नहीं आया कल के जाने के बाद से ना। तो बाकी क्या कहते हैं ये तो आ गए, ये कबूतर वबूतर अभी अंबर से मैं देखता हूँ कहाँ हो रहा है अभी। अच्छा अंबर से जो बोल रहा है वो जा रहा है, हाँ दिख गया। एक कैमरे में एक तो नज़र ही नहीं आ पा रहा ना यार, मसला ये हो रहा है, मैं इतना दूर जा नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। अभी ये क्या बाकी कबूतर तो दिख रहे हैं, अभी अंबर से एक तो गायब हुए थे और तोड़ के हाँ नज़र आ रहा है सर। ये देखिए ये हो रहा अंबर से, ये देखिए चेक करें कैसे हो रहा मसला। अभी मैं तो इसको खुद दूर जाने दे रहा हूँ, कहीं भी चला जाए तो वापसी आएगा ना तो कबूतर वबूतर लेकर आएगा ना तो ज़्यादा सही आएगा। चले अभी तो दाना वाना देते हैं, आज दाना ख़त्म हो गया अभी ठीक है कहते हैं, अभी तो डबल रोटी पड़ी है फिलहाल, अभी इन कबूतर को डबल रोटी देते हैं। यह कहते हैं यार चापदार तो कबूतर गिरजान कबूतर है, लेकिन ये कहते हैं वो ना जंगलियों के साथ बहुत मिल गया था, तो ना उस वजह से ना मुझे शक था कहता है कि शिराजी को भी ले लेके ना दूसरों के घर पे ना उतर गया, तो उस वजह से ना मैंने क्या कहता है चापदार को शिराजी से फिर अलग कर दिया था, चापदार को मैंने बंद नहीं किया था और शिराजी को मैंने इस वजह से बंद कर दिया था कि ये जंगली ना हो जाए पत्थर जो तुम्हारा। मैं दिखा देता हूँ इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ना यार ये है बिल्कुल अच्छा है, खाल वाल में निकला हुआ है, हालांकि इसके माँ बाप खाल में नहीं है लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं खाल में निकला हुआ है, तो इस वजह से क्या कहते हैं ये जो है ना क्या कहते हैं तो इस वजह से क्या कहते हैं ये जो है ना जंगली ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने बस इसको बंद कर दिया था, वरना मैं इसको उसका चापदार के साथ खुले रहने था, क्योंकि ना उस दिन जोगिया उतरे थे ना तो दोनों की वजह से उतरे गए, ये दोनों उड़ के आके बैठे थे तो उनके साथ जोगिया भी उड़ के आके बैठ गए थे। ठीक है कहते हैं बाकी ये कहते हैं अभी अंबर सिरे को दिखाता हूँ कहाँ है, और इसके बाद अभी अंबर सिरे को दिखाने के बाद ना फिर बजीज की अपडेट भी दिखाती जाऊँगा। अच्छा भाई अभी आसमान जो है हाँ दीजिए अंबर से अभी तो ये अंबर से दिख रहा है ऐसे, लेकिन यार सही जो है ये थोड़ा सा दूर जा रहा है अच्छा खासा। ये आपको दिख रहा होगा अंबर से, आप ऐसे नीचे ही आ गया लग रहा है, ये आ गया अब तो यहीं आ गए, तोड़ ओड़ के जल्दी करीब ही आ गए थे। चले बाकी अब आपको बजीज की अपडेट दिखाते हैं। अच्छा मैंने ना इस बजीज को ना यहाँ से ना यहाँ से शिफ्ट कर दिया था, ये जो कील है ना छोटी सी इसकी जगह मैंने ऊपर टांग दिया था बड़ी कील पे, ठीक है। और बाकी इनका जो जो सीन है वही है बच्चे बच्चे का, इसने भी दो अंडे दिए हैं और क्या कहते हैं इसका भी बच्चे निकला हुआ है, और क्या कहते हैं मैंने क्या कहता हूँ उड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या कहते हैं वो नए वाले अंबर से देखो उड़ाने की कोशिश करी बस वहाँ तक गया वापसी आ गया यहाँ से ना। ये अभी पता नहीं क्या इसका मसला है या उड़ क्यों नहीं पा रहा अभी सही से ना, अभी मेरे ख्याल से दो तीन और दिन ना इसको मजीद देखेंगे उड़ने के लिए। बाकी अंबर से देखो देखें कैसे उतर रहे हैं, ये देखें अभी इसको ज़रा देखना वहाँ पर कैसे आप लोग। अच्छा भाई इसने तो मेरी कच्ची करा दी तो आप ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ये देखना कच्ची करा दी मेरी सही। चलो कोई बात नहीं, क्या कहता था बजीज की मैं अपडेट दे रहा था तो भी तो दे दी थी, बाकी क्या कहते हैं तीसरे की दे रहा था ये वाले की ना, तो क्या कहते हैं इस पेयर में जो क्या कहते हैं ये रहा इस पेयर का मेल और इस पेयर की फीमेल जो वो इसके अंदर है, मैं इसका भी अंडर भी दिखा देता हूँ। ये निकल गई है सही है, और पहले मैं आपको ढक्कन डाल कर दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको एक अभी एक ही अंडा है ठीक है, कल दिखाया था क्या कहते हैं एक ही अंडा है, आज दिखा रहा हूँ काटने आ रहा है फ़ौरन ही ठीक है। अभी इनका फ़िलहाल एक ही अंडा है इस प्यार का ना, ये रहा मेल और ये रही फीमेल ठीक है। बाकी क्या कहते हैं अभी इनको और दाना देते हैं, ओ ओ ओ ओ ठीक है। अभी जगह वहाँ डबल रोटी दे दी है मैंने, यहाँ डबल रोटी सब तो रही है मेरे ख्याल से, तो कैसे नहीं खाएंगे थोड़े भिगो भिगो गए सोचो। चलो सर
जना भी क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं देख रहा था ये प्याला ना, अगर प्याज ये गिलास में देख रहा था, ठीक है, मैंने मुझे देखा तो ना, इसका ना बाजरा पड़ा हुआ मिल गया मुझे, ठीक है, कबूतरों का थोड़ा सा पड़ा हुआ था। मैंने क्या सोचा कि ना, मैंने कबूतरों का बाजरा था थोड़ा सा पड़ा हुआ था इसके अंदर, ठीक है, आधे से भी कम था, ठीक है, गिलास के बराबर वो पड़ा हुआ था, और इसके अंदर ना मैंने क्या कहते हैं वो डाल दिया, तो वाला जो बाजरा नहीं होता कन्नी वाला बाजरा, वो वाला मैंने बाजरा इसमें डाल दिया और ऐड कर दिया इसके अंदर वो वाला बाजरा, थोड़ा वो भी पड़ा हुआ था, तभी तोतों को भी खाना दिया था। क्या कहते हैं अभी तो बाजरा अब इनके लिए बन गया। अब देखें अल्लाह कैसे जानवरों के लिए, कहते हैं ना जानवर अपना रिस्क खुद लाता है, हर चीज़ अपना रिस्क खुद लाती है, तो ऐसे जानवर भी अपना रिस्क खुद लाता है। तो क्या कहते हैं अब देखें, मुझे पता नहीं था आगे है, लेकिन इनके किस्मत में था खाना, जगह मिल गया इनको अपने नसीब से, ठीक है। हाँ अच्छा, क्या कहते हैं सर्दियों से पहले ना, क्या कहते हैं जैसे सर्दियां आ जाएंगी ना, तो क्या कहते हैं अभी हम कबूतरों के लिए और तोतों के लिए ना, फिर आपको क्या कहते हैं डिटेल से वीडियो बनाएंगे, अगर कबूतर को डकवा हो जाए तो क्या करें, क्या कहते हैं अगर तोतों में क्या कहते हैं अंडे का मसला हो, या सर्दियों में कबूतर को कैसे गर्म रखें, या क्या कहते हैं तोतों और अंडा या कबूतरों के बारे में कोई भी अगर वीडियो होगी ना, क्या कहते हैं वो इंशाल्लाह मैं सर्दियों में आपको बना दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने खुद सोचा हुआ, क्या कहते हैं कबूतरों और तोतों के बारे में ना वीडियो डाल दूंगा, सॉफ्ट फूड ऑफ फूड, सर्दियों में क्या सॉफ्ट फूड चलाना है और गर्मियों में क्या चलाना है, ठीक है। अभी इनको दाना वाना दे दिया मैंने, उसके बाद पानी देते हैं और फिर व्लॉग एंड कर देंगे अपना। क्या कहते हैं अभी मैं पानी वानी दिया उनको देने के लिए, ठीक है, पहले एक दे देता हूँ, आज इस प्याले में थोड़ा देता हूँ, अभी ये फिलहाल साफ है बनना, इसमें देता मैं भी पहले प्याले को थोड़ा हाथ से साफ कर ले। अच्छे जानवरों को कोशिश किया करें कि ना जानवरों के साथ ना अच्छे से पेश आया करें, क्योंकि क्या कहते हैं क़यामत वाले दिन आपको इनका सवाब मिलेगा, और क्या कहते हैं ये कुछ तो आपको लेने भी आएंगे क़यामत के दिन, जब आप दो जख्म होंगे ना तो आपको बचाने आएंगे, ये क्या कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अभी हमने पानी डाल दिया और क्या कहते हैं दूसरा गिलास भी ले आया हूँ मैं, वो भी पानी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।